भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, जो बक्से भर भर के बीते दिनों जो बक्से भर भर के मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1,60,00,000 गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन भी 7 सालों में 9 गुना हो चुके हैं। इसलिए ये हो पा रहा है क्योंकि बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। बिना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। अब बिना रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों के लिए कानपुर सहित यूपी के अनेक जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यूपी में विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी। साथियों, किसी भी राज्य में निवेश के लिए, उद्योगों के लिए, फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज। यूपी में पहले जो सरकारें रही उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है, इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अब एक बार यूपी में औद्योगिक कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहां कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर को मंजूरी दी जा चुकी है। यहां के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए फजलगंज में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई है। डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एक जनपद एक उत्पाद योजना, इनका लाभ कानपुर के हमारे उद्यमी साथियों को भी मिलेगा होगा। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। नई इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके 15% करना हो, जीएसटी दरों में कमी करना हो, ढेर सारे कानूनों के जाल को समाप्त करना हो, फेसलेस असेसमेंट हो, इसी दिशा में उठाए गए कदम है। नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देना भी शुरू किया है। सरकार ने कंप्लीट लॉ के बेहतर बहुत सारे प्रावधानों को भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, जो हमारे व्यापारी साथियों की मुश्किलें बढ़ाते थे। भाइयों और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको
हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं, चाहे तीन तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी सौगात आपके चरणों में सुपुर्द करते समय अनेक अनेक प्रकार की खुशियों से भरा हुआ ये वातावरण, आज का ये महत्वपूर्ण अवसर एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर अभिवादन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का।